आपके माध्यम से उन तमाम नेताओं को कहना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत विचार नहीं दे सकता जब तक वो कांग्रेस पार्टी में है। बी इट एनी बडी, व्यक्तिगत विचार देने हैं तो आपको पार्टी का हाथ छोड़ना पड़ेगा। जिस व्यक्ति ने व्यक्तिगत विचार देने, कोई व्यक्ति व्यक्तिगत विचार नहीं दे सकता कांग्रेस की गरिमा में रहकर, चाहे वो पीसीसी अध्यक्ष है, चाहे कोई फॉर्मर पीसीसी अध्यक्ष है, चाहे कोई ब्लॉक का अध्यक्ष है, उसको गरिमा रखनी होगी। नहीं तो जो डिसिप्लिन तोड़ेगा उसके ऊपर कार्रवाई 101% होगी। पहले भी की है, आगे भी करेंगे। बड़ी साहब रखी गई है, आपने देखा होगा पहले भी, खड़गे साहब और राहुल जी पूरे देश भर में जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी बनी है उनके ऊपर मीटिंग रखते हैं, स्ट्रैटेजी मीटिंग। क्या करो स्ट्रैटेजी मीन्स कि किस प्रकार से आने वाले दिनों में प्रदेश को चलाना है और जो पार्लियामेंट दे जड़े चुनाव है उन्होंने उत्ते किस तरह असी आने वाले समय च काम करना है, यानी कि पार्लियामेंट के जो चुनाव है उसके ऊपर किस प्रकार से आने वाले दिनों में काम करना है, क्या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और किस प्रकार से आने वाले दिनों में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को हमने स्ट्रांग करना है, इसके ऊपर ही स्ट्रैटेजी मीटिंग का मतलब यही है। तो हम सब लोग चाह रहे हैं, जिसमें मेरे को लगता ऑल सीनियर्स आर देयर, सब लोग, और 33-34 लोग हैं जो अपनी बात लीडरशिप के सामने और उनकी बात सुनेंगे। कपूरथला में जो आपकी अभी कार्यक्रम था उसमें बकायदा एक सभी ने एक मंच पे कहा अलायंस को लेकर बात की और आपने भी आश्वासन दिया कि मैं मजबूती के साथ आवाज उठाऊंगा, तो क्या आवाज उठाएंगे आप? देखो कपूरथला में ऐसी कोई बात नहीं हुई, आप गलत कह रहे हैं। मुल्लापुर में जो बकायदा प्रेस नोट जारी हुआ था, मुल्लापुर में जगराओं में ये हुआ, लेकिन हाँ बहुत से लोगों की जिस प्रकार की भावनाएं हैं, जो कांग्रेस वर्कर की भावनाएं हैं, पंजाब की जनता की भावनाएं हैं, उनके ऊपर हम जरूर कांग्रेस लीडर साहबान को अवगत कराएंगे, यानी कि बताने का काम करेंगे। बाकी जो निर्णय होगा, अंतिम फैसले होंगे और जो उनका डायरेक्शन होगा उस प्रकार से आगे काम चलेगा। क्या अलायंस के साथ जाया जाएगा या नहीं, सेंटीमेंट क्या है? सीट शेयरिंग लेके कोई गलबात नहीं। टू बी वेरी ऑनेस्ट अमन जी, नेहा जी, अभी तक इस प्रकार की हमें कोई नॉलेज नहीं। आज अगर मीटिंग में इसके ऊपर किसी प्रकार की कोई चर्चा रहती है तो मैं आपको बता पाऊंगा कि कांग्रेस लीडरशिप ने हमें सीट शेयरिंग के लिए बुलाया है या नहीं बुलाया, लेकिन मेरे को लगता है इट्स अ स्ट्रैटेजी मीटिंग। बिफोर मीटिंग मैं आपको कैसे बता सकता हूं कि ये इस मुद्दे पे ऊपर चर्चा होगी या नहीं होगी। सो ये खाली आकाशरे लगाए जा सकते हैं, अपने अपने अंदाजे लगाए जा सकते हैं। आई विल लेट यू नो डेफिनेटली आफ्टर अ मीटिंग कि इस मुद्दे के ऊपर क्या चर्चा रही साहब। एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे है जिसमें कांग्रेस 27% वोट लेती हुई दिख रही है पंजाब में, कंपेयर टू 25% आम आदमी पार्टी। कैसे इस सर्वे को सारे को भाई एबीपी न्यूज, मैं समझता हूं कि हमारे लिए तो बहुत अच्छा है और हमें लगता है ये जो आंकड़े हैं आने वाले दिनों में, अगले 6 महीने में इनमें और सुधार आएगा, और जब दोबारा आप सर्वे करेंगे एबीपी चैनल तो मेरे को लगता है वो आंकड़ा कहीं 9-10 के करीब, भगवान कृपा करे, होना चाहिए। जिस प्रकार से लोगों की भावनाएं, लोगों को लगने लगा है कि कांग्रेस एक विकल्प है, कांग्रेस ही पंजाब के अंदर कुछ ना कुछ नया कर सकती है, और अब जब सब दरवाजे बंद हो चुके, उन्होंने देख लिया तमाम बदलाव की सरकारों को, और उनको लगता है कि द बेस्ट ऑप्शन इज कांग्रेस पार्टी, आने वाले दिनों में और लोग मेरे को लगता है हमारे साथ जुड़े। तो कैसे हालात में कांग्रेस के पास ज्यादा बेटर ऑप्शन है कि वो अलायंस में ना जाए आम आदमी पार्टी के साथ पंजाब कांग्रेस? देखो बात ये है, अलायंस में जाए नहीं जाए ये मैं कहना चाहता हूं कि मैं पंजाब प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष हूं, मेरी बहुत सारी लिमिटेशन है, मैं अपनी भावनाएं मंच से या टीवी पर नहीं बता सकता, मैं अपनी भावनाएं अपनी लीडरशिप को बताऊंगा और जनता की भावनाएं, बिकॉज मेरी जो ड्यूटी बनती है बीइंग ए पीसीसी प्रेसिडेंट, ना कि मैं अपनी भावनाएं लोगों के ऊपर या पार्टी के ऊपर थोपूं, जनता की, कांग्रेस वर्कर की भावनाएं और जो मेरी निजी राय है वो भी मैं जाकर पार्टी को दूंगा अगर वो मेरे से पूछेंगे। और मैं सच कह रहा हूं आज भी आपको, टिल टुडे
आज का पता नहीं, अभी तक मेरे को मेरी पार्टी के लीडर किसी ने नहीं कहा, पता नहीं क्यों लोग मंच पे चढ़ के ऐसी बात करते हैं, कि हमें अलायंस करना है, हमने सीटों का बंटवारा करना है। ऐसी कभी चर्चा अभी तक नहीं हुई। हो सकता है आज हो सकता है ना हो, और मेरे को जिस प्रकार का जो मैसेज पहले दिया हुआ गया, मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ कि 13 की 13 सीटों पर। लेकिन ये चर्चा तो सर कभी ना कभी होगी, बहुत सारे लीडर्स के यहाँ पे अलायंस नहीं होना चाहिए। नो, मैं कब कह रहा हूँ कि होगी या नहीं होगी, बट टिल टुडे अभी तक चर्चा हुई नहीं। ये मैं आपसे कैसे छुपा सकता हूँ कि ये चर्चा होगी और मैं आपसे छुपा लूंगा? जो बात कल जो बात कल को सामने आएगी वो मीडिया के सामने, अगर आज मैं झूठ बोलूंगा तो कल को लोग कहेंगे भाई राजा बड़िंग झूठ बोल रहा है, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं। बड़िंग साहब, एक कैपेसिटी में आप कई मुद्दे उठाएंगे, नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरह से लगातार रिफ्ट देखने को मिल रही है, एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया गया कई कांग्रेस के नेताओं की तरफ से इसी मुद्दे को। डेफिनेटली इवन डिसिप्लिन जो है ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इश्यू है। हम पिछली बार कोई दो राय नहीं है, हमारे बयान अलग अलग थे, हमारी एक दूसरे की तरफ हमारा कोऑर्डिनेशन नहीं था, इसकी वजह से हमें विधानसभा में नुकसान हुआ है। मैं चाहूंगा जिस परिवार में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, जिस धंधे में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा और पॉलिटिक्स में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो उसका नुकसान झेलना पड़ता है, लेकिन 100% डिसिप्लिन। खड़गे साहब ने एक बात कही थी, मैं दोबारा फिर आपके माध्यम से उन तमाम नेताओं को कहना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत विचार नहीं दे सकता जब तक वो कांग्रेस पार्टी में है। बी इट एनी बडी, व्यक्तिगत विचार देने हैं तो आपको पार्टी का हाथ छोड़ना पड़ेगा। जिस व्यक्ति ने व्यक्तिगत विचार देने, कोई व्यक्ति व्यक्तिगत विचार नहीं दे सकता कांग्रेस की गरिमा में रहकर, चाहे वो पीसीसी अध्यक्ष है, चाहे कोई फॉर्मर पीसीसी अध्यक्ष है, चाहे कोई ब्लॉक का अध्यक्ष है, उसको गरिमा रखनी होगी, नहीं तो जो डिसिप्लिन तोड़ेगा उसके ऊपर कार्रवाई 101% होगी। पहले भी की है, आगे भी करेंगे। बड़िंग साहब, बल रखी गई है, आपने देखा होगा पहले भी, खड़गे साहब और राहुल जी पूरे देश भर में जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी बनी है उनके ऊपर मीटिंग रखते हैं, स्ट्रैटेजी मीटिंग। स्ट्रैटेजी मीन कि किस प्रकार से आने वाले दिनों में प्रदेश को चलाना है और जो पार्लियामेंट दे जिहड़े चुनाव है उन्हां दे उत्ते किस तरह असी आने वाले समय च काम करना है, यानी कि पार्लियामेंट के जो चुनाव है उसके ऊपर किस प्रकार से आने वाले दिनों में काम करना है, क्या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और किस प्रकार से आने वाले दिनों में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को हमने स्ट्रांग करना है, इसके ऊपर ही स्ट्रैटेजी मीटिंग का मतलब यही है। तो हम सब लोग जा रहे हैं, जिसमें मेरे को लगता ऑल सीनियर्स आर देयर, सब लोग, और 33-34 लोग हैं जो अपनी बात लीडरशिप के सामने और उनकी बात सुनेंगे। कपूरथला में जो आपकी अभियान कार्यक्रम था उसमें बकायदा एक सभी ने एक मंच पे कहा अलायंस को लेकर बात की और आपने भी आश्वासन दिया कि मैं मजबूती के साथ आवाज उठाऊंगा, तो क्या आवाज उठाएंगे आप? देखो, कपूरथला में ऐसी कोई बात नहीं हुई, आप गलत कह रहे हैं। मुल्लापुर में जो बकायदा प्रेस नोट जारी हुआ था, मुल्लापुर में जगराओं में ये हुआ, लेकिन हाँ बहुत से लोगों की जिस प्रकार की भावनाएं हैं, जो कांग्रेस वर्कर की भावनाएं हैं, पंजाब की जनता की भावनाएं हैं, उनके ऊपर हम जरूर कांग्रेस लीडर साहबान को अवगत कराएंगे, यानी कि बताने का काम करेंगे। बाकी जो निर्णय होगा, अंतिम फैसले होंगे और जो उनका डायरेक्शन होगा उस प्रकार से आगे काम चलेगा। क्या अलायंस के साथ जाया जाएगा या नहीं, सेंटीमेंट क्या है? सीट शेयरिंग लेके कोई गलबात नहीं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अमन जी, नेहा जी, अभी तक इस प्रकार की हमें कोई नॉलेज नहीं। आज अगर मीटिंग में इसके ऊपर किसी प्रकार की कोई चर्चा रहती है तो मैं आपको बता पाऊंगा कि कांग्रेस लीडरशिप ने हमें सीट शेयरिंग के लिए बुलाया है या नहीं बुलाया, लेकिन मेरे को लगता है इट्स अ स्ट्रैटेजी मीटिंग। बिफोर मीटिंग में आपको कैसे बता सकता हूं कि ये इस मुद्दे पे ऊपर चर्चा होगी या नहीं होगी? सो ये खाली आकाशरे लगाए जा सकते हैं।
अपने अपने अंदाजे लगाए जा सकते हैं। आई विल लेट यू नो डेफिनेटली आफ्टर अ मीटिंग कि इस मुद्दे के ऊपर क्या चर्चा। रिंग साहब, एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे है जिसमें कांग्रेस 27% वोट लेती हुई दिख रही है पंजाब में कंपेयर टू 25% आम आदमी पार्टी। कैसे इस सर्वे को सारे को भाई एबीपी न्यूज मैं समझता हूँ कि हमारे लिए तो बहुत अच्छा है और हमें लगता है ये जो आंकड़े हैं आने वाले दिनों में अगले 6 महीने में इनमें और सुधार आएगा और जब दोबारा आप सर्वे करेंगे एबीपी चैनल तो मेरे को लगता है वो आंकड़ा कहीं 9-10 के करीब भगवान कृपा करे होना चाहिए। जिस प्रकार से लोगों की भावनाएं लोगों को लगने लगा है कि कांग्रेस एक विकल्प है, कांग्रेस ही पंजाब के अंदर कुछ ना कुछ नया कर सकती है और अब जब सब दरवाजे बंद हो चुके उन्होंने देख लिया तमाम बदलाव की सरकारों को और उनको लगता है कि द बेस्ट ऑप्शन इज कांग्रेस पार्टी। आने वाले दिनों में और लोग मेरे को लगता है हमारे साथ जुड़े। तो क्या ऐसे हालात में कांग्रेस के पास ज्यादा बेटर ऑप्शन है कि वो अलायंस में ना जाए आम आदमी पार्टी के साथ पंजाब कांग्रेस? देखो बात ये है, अलायंस में जाए नहीं जाए ये मैं कहना चाहता हूँ कि मैं पंजाब प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ, मेरी बहुत सारी लिमिटेशन है, मैं अपनी भावनाएं मंच से या टीवी पर नहीं बता सकता, मैं अपनी भावनाएं अपनी लीडरशिप को बताऊंगा और जनता की भावनाएं, बिकॉज मेरी जो ड्यूटी बनती है बीइंग ए पीसीसी प्रेसिडेंट, ना कि मैं अपनी भावनाएं लोगों के ऊपर जहां पार्टी के ऊपर थोपूं, जनता की कांग्रेस वर्कर की भावनाएं और जो मेरी निजी राय है वो भी मैं जाकर पार्टी को दूंगा अगर वो मेरे से पूछेंगे। और मैं सच कह रहा हूं आज भी आपको, टिल टुडे, आज का पता नहीं, अभी तक मेरे को मेरी पार्टी के लीडर किसी ने नहीं कहा, पता नहीं क्यों लोग मंच पे चढ़ के ऐसी बात करते हैं, कि हमें अलायंस करना है, हमने सीटों का बंटवारा करना है, ऐसी कभी चर्चा अभी तक नहीं हुई। हो सकता है आज हो सकता है ना हो, और मेरे को जिस प्रकार का जो मैसेज पहले दिया हुआ गया मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ कि 13 की 13 सीटों पर। लेकिन ये चर्चा तो सर कभी ना कभी होगी, बहुत सारे लीडर्स यहाँ पे अलायंस नहीं होना चाहिए। नो, मैं कब कह रहा हूँ कि होगी या नहीं होगी, बट टिल टुडे अभी तक चर्चा हुई नहीं। ये मैं आपसे कैसे छुपा सकता हूँ कि ये चर्चा होगी और मैं आपसे छुपा लूंगा? जो बात कल जो बात कल को सामने आएगी वो मीडिया के सामने, अगर आज मैं झूठ बोलूंगा तो कल को लोग कहेंगे भाई राजा वेडिंग झूठ बोल रहा है, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं। कहा जाता है हिंदुस्तान में किसी भी बीमारी का इलाज करवाना बहुत मुश्किल, बहुत महंगा, गलत। आप सारे जनसा फाउंडेशन के मेंबर बनो, बाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आने वाले 5 साल तक आपका पूरा इलाज फ्री करेगा। धन्यवाद।